सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों वन प्लस नॉर्ड सीरीज के अपने अलग ही जलवे हैं और यहाँ पर दोस्तों अभी आ गए हमारे पास में ये ऑल न्यू वन प्लस नॉर्ड CE2 5G स्मार्टफोन। तो आज आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए हम करते हैं इसी फोन को अनबॉक्स, देखते हैं क्या है बॉक्स कंटेंट, तो क्या किया है कमाल इस बार वन प्लस ने नॉर्ड फोन के साथ में। वैसे कमाल खैर मैं भी कर चुका हूँ, आपके लिए हमारे पास में है ये बहुत सारे नॉर्ड CE2 5G स्मार्टफोन्स आप में से किन्हीं लकी व्यूअर्स के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, हम मजा उठाते हैं इसी ऑल न्यू फोन का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। नॉर्ड दोस्तों यहाँ पे है नॉर्ड की ब्रांडिंग इसी बॉक्स में और यहाँ पे अगर साइड में लिखा है नॉर्ड CE2। अगर हम देखते हैं बॉक्स को पीछे तो हमारे पास में कुछ डिटेल्स मेंशन है इसी फोन से जुड़ी हुई, जहाँ पे ये फिलहाल हमारे पास में ऑल न्यू बहामा ब्लू कलर में इसी का 8GB रैम 128GB स्टोरेज वेरिएंट। फोन की डेट ऑफ बर्थ है 19 जनवरी 2022। अगर हम चाहें तो बर्थडे मना सकते हैं। वैसे यहाँ पर दोस्तों प्राइस लिखी है XXXXX। मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे इन एक्स के पीछे का असली मतलब क्या है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे हटाते हैं रैप को, आपको कभी लाइक और शेयर। हम यहाँ पे दोस्तों हटाते हैं साइड में, तो हमारे पास में है ये फिलहाल सेक्शन वन प्लस की ब्रांडिंग के साथ में। इसके अंदर एक और ये छोटा सेक्शन है और यहाँ पे हमारे पास में है ये एक सिम टूल। फिर दोस्तों हमारे पास में ये एक वेलकम कार्ड है, बिल्कुल ऐसा ब्लू नो, काफ़ी ऐसा मज़ेदार सा एक्सपीरियंस मिल जाता है। साथ में दोस्तों हमारे पास में कुछ डॉक्यूमेंटेशन है। फिर यह है ये एक बहुत ही स्पेशल वन प्लस रेड केबल क्लब मेंबरशिप कार्ड। तो यार ये एक बहुत ही एलीट क्लब है अपने आप में। साथ में कुछ हमारे पास में नॉर्ड स्टिकर्स हैं और फिर है ये केस फोन की प्रोटेक्शन के लिए। यहां अब तो हम देखते हैं नीचे तो हमारे पास में है ये ऑल न्यू बहामा ब्लू कलर में वन प्लस नॉर्ड CE2। आई मीन ये फोन यार बहुत सही लगेगा। खैर हम हटाएंगे प्रोटेक्शन वगैरह, बाद में बात करते हैं। साथ में अगर हम देखते हैं नीचे तो हमारे पास में है फिर ये सुपर वूक वाला फास्ट चार्जर 65 वाट्स आउटपुट के साथ में फोन को बहुत ही तेजी से रिचार्ज करने के लिए। इसके अलावा है वन प्लस की टिपिकल बहुत ज्यादा पॉपुलर ये रेड USB A to USB C केबल। यहां हम दोस्तों करते हैं फोन की प्रोटेक्शन को रिमूव। अगर हम देखते हैं तो भाई ये जो कलर है मतलब बहुत ज़्यादा शानदार तो उसका एक्सपीरियंस है इस डिज़ाइन का। यार ये जो पूरा है ना इन हैंड फील वगैरह भी वो बहुत सही लग रही है। तो ये है वन प्लस नॉर्ड CE2। फिर हम करते हैं फ़ोन को बूट, बात करते हैं कुछ और डिटेल्स को देखते हुए। लेकिन यार देखो मेरा मन तो बार बार ना फ़ोन को ऐसे ही देखने का कर रहा है बिकॉज फ़ोन बहुत सही लग रहा है। कि यहाँ पे हमारे पास में राइट साइड में है ये पावर लॉक अनलॉक बटन। फ़ोन में ऊपर है दोस्तों सेकेंडरी माइक्रोफोन। अगर हम बात करें लेफ्ट साइड की तो यहाँ पे ये बहुत ही इनोवेटिव डिज़ाइन के साथ में आने वाली ये एक ट्रिपल स्लॉट सिम ट्रे है। एक तरफ आप दो नैनो सिम्स लगा सकते हैं, उसके अपोजिट में आप ये अपना मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। साथ दोस्तों है बटन्स वॉल्यूम अप एंड डाउन के लिए। फ़ोन में नीचे हमारा फेवरेट ये है हेडफोन जैक। साथ में दोस्तों हमारे पास में प्राइमरी माइक्रोफोन, उसके बाद में है USB C पोर्ट और स्पीकर ग्रिल। अगर हम बात करते हैं पीछे की तो भाई ये देखो जो डिज़ाइन है ना इसको मतलब जितना देखें उतना कम है, काफ़ी सही ये फ़ोन लग रहा है। और यहाँ पे दोस्तों हमारे पास में ग्रे और ब्लू दो कलर ऑप्शन में मिलता है, जहाँ पे बीच में ही हमारे पास में ये वन प्लस का लोगो और ये आता है एक ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ में। और यहाँ पर दोस्तों है 64 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और फिर है कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शॉट्स के लिए। साथ में दोस्तों यहाँ पे LED फ्लैश है और आई मीन जो पूरा ये कैमरा असेंबली है, जो पूरा ये बैक पैनल है, दिखने में बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। अगर हम बात करते हैं सामने की तरफ तो फोन में है 6.43 इंचेस का एक फुल HD+ डिस्प्ले जो कि आता है गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ में। यहाँ पर दोस्तों रिफ्रेश रेट है 90 हर्ट्ज तक की और दिखने में बहुत सही लग रहा है। मतलब अगेन आपको काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस देगा स्क्रीन, जहाँ पे कोने में ये लगा है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। अगर हम खैर बात करते हैं फ़ोन के बारे में दोस्तों बाकी चीज़ें अगर देखें ना तो मतलब अच्छी बात क्या है कि यार आपको एकदम ऐसा क्लीन UI मिलता है बिना किसी ब्लोटवेयर के, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है वन प्लस के OxygenOS की। और यहाँ पे यार ये फ़ोन में भी मतलब एकदम आपको अच्छा क्लीन एक्सपीरियंस मिलने वाला है। कोई एक्स्ट्रा ब्लोटवेयर नहीं है, कोई एक्स्ट्रा जंक ऐप्स नहीं है। फिलहाल दोस्तों अगर चलता है वर्जन 11.3 पे OxygenOS के और ये बेस्ड है एंड्रॉयड 11 पे। और यहाँ पर दोस्तों जो पावर हमको मिल जाती है वो है MediaTek Dimensity 900 की। 5G का मज़ा है, परफॉर्मेंस भी बड़ी दमदार से मिलती है। और यहाँ पर हमारे पास में है फिर 6 या फिर 8GB के रैम ऑप्शंस। जो स्टोरेज है वो है स्टैंडर्ड 128GB की। यहाँ पे जो बैटरी है वो है 4500 mAh की और अगेन दोस्तों 65 वाट्स की फास्ट चार्जिंग के साथ में ना काफ़ी तेज़ी से आप रिचार्ज कर पाएंगे। अगेन जो ऑप्शंस हैं वो कह रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे हैं। अगर हम खैर बात करते हैं आगे बढ़ते हुए बायोमेट्रिक्स या फिर इन सब चीज़ों की, तो मतलब जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है दोस्तों इन डिस्प्ले टाइप वाला वो बड़ी तेज़ी से काफ़ी आराम से काम करता है। फ़ोन को बड़े आप आराम से अनलॉक कर सकते हैं और इनफैक्ट जो फेस अनलॉक है वो भी एकदम सुपर फास्ट है। बाकी खैर यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कैमरा ऐप है तो आपको ये हल्के हल्के कलर वेस वाले फ्लेवर्स में मिलती है, जहाँ पे यार जो ऑप्शंस हैं वो तो बहुत सारे हैं। और यहाँ पे यार ये कुछ सैम्पल्स जो मैंने इसी फ़ोन के फ्रंट और रियर कैमरा को यूज़ करते हुए क्लिक किए हैं, तो मतलब आप खुद से देख सकते हैं कि कितना मज़े का आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है। यहाँ पर दोस्तों वैसे जो डिज़ाइन है वो मतलब एक बार वापस देखें यार, तो बहुत सही है। खैर जो सही आपको मज़ा मिलेगा ना वो है यहाँ पर कॉन्टेंट कंजम्पशन का। हमारे पास में एक एमोलेड स्क्रीन है, फ्लैट स्क्रीन है, तो आप जो अपने दोस्तों फेवरेट अगर कुछ वीडियोस वगैरह देखते हैं, अगर आप कुछ गेम्स वगैरह खेलते हैं, तो आपको वो एकदम अच्छे से मज़े के साथ में आप जो है वो एंजॉय कर पाएंगे। खैर अगर हम बात कर ही रहे हैं मज़े की, तो थोड़ा सा ये ऑडियो सुनना तो बनता है। क्या बात है भाई, देखो डायनामाइट जो है वो हमने सुन लिया, काफ़ी ज़्यादा मज़े का सीन था। और यहाँ पे दोस्तों यार ये है OnePlus Nord CE2। अगर आपसे बात मैं करता हूँ इस फ़ोन की प्राइस के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों इसके दो वेरिएंट्स हैं, है ना, 6128 या फिर 8128। जो इसकी स्टार्टिंग प्राइस है वो है 23,999, और फिर दोस्तों जो दूसरा वेरियंट है वो है 24,999 का 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में। और दोनों जो वेरियंट्स हैं वो सेल पर जाने वाले हैं 22 फरवरी को। और खैर मेरे पास में आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार OnePlus Nord CE2 ये ब्रांड न्यू फोन्स भी हैं। आप में से ही किन्हीं चार लकी व्यूअर्स के लिए एज अ गिव अवे गिफ्ट। बाकी यार दोस्तों अगर हम बात करें तो मतलब मेरे ख्याल से काफी सही एक्सपीरियंस है। मतलब मुझे तो खैर देखो डिजाइन भी बहुत अच्छा लग रहा है, काफी स्लीक ये फोन है। और अगेन जो आपको मिल जाते हैं OnePlus के पर्टिकुलर पर्क्स, फिर चाहे हम बात कर लें OxygenOS की, चाहे दोस्तों हम बात करते हैं एकदम ऐसे एकदम क्लीन यूआई की, इसके अलावा परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक काफी अच्छा बैलेंस्ड पैकेज मैं कहूंगा। तो ये है OnePlus Nord CE2। वीडियो को कभी लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, गिफ्ट आपके लिए मैं लेके आ ही चुका हूं। बाकी अगर आप बताइए मन की बातें क्या है नीचे कमेंट करते हुए, देखते हैं कि OnePlus और Nord सीरीज में कौन से कमाल सरप्राइजेस हमारे लिए लेके आने वाला है आने वाले टाइम में। दोस्तों बस फिलहाल उतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।